लिप्स का कलर देख के डिजीज का कैसे पता लगाएं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सत श्री अकाल, हमारे जो लिप्स हैं ये इनका कलर बता रहा है हमारी ये ह्यूमन बॉडी में क्या चल रहा है। अगर तो इन लिप्स का कलर डिफरेंट हो चुका है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेड, बहुत ज़्यादा पेल या फिर ड्राई हो चुके हैं, या फिर पर्पल कलर के हो चुके हैं या फिर ब्लूइश कलर के हो चुके हैं, तो ये जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारे लिप्स का, ये बता रहा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जो कलर है वो क्या बताता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल कलर ऑफ लिप्स के बारे में। जो नॉर्मल कलर ऑफ लिप्स है वो होता है रेड या फिर पेल या फिर मॉइस्ट या फिर शाइनिंग कलर का। ये नॉर्मल होता है, हल्का सा कलर होता है। आप अपने लिप्स को चेक कर सकते हैं मिरर में जाके, मिरर के सामने जाके। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमें रेड जो लिप्स हैं वो चेरी रेड लिप्स कलर दिखे, बहुत ज़्यादा रेड हो, जैसे कि चेरी, बहुत ज़्यादा जैसे रेड कलर होता है चेरी का, बहुत ज़्यादा रेड कलर हो अगर लिप्स का, जो कि चेंज हो चुका है लिप्स का, वो बता रहा है हीट को, आपके ह्यूमन बॉडी में हीट बढ़ चुकी है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी में हीट बढ़ चुकी है वो उस हीट को हमें, जो हीट का लेवल है हाई इंक्रीज हो चुका है, उसे हमें नीचे ला के बैलेंस करना पड़ेगा। हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी एनर्जीज के फॉर्म पे बेस्ड है और 5 एलिमेंट्स के बेस पे बेस्ड है। अगर इन एलिमेंट्स और एनर्जीज की वैल्यू हाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट होती है, हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर यही एनर्जीज डिक्रीज हो जाए तो भी हमें सिम्टम्स और डिजीज देखने को मिलते हैं। तो जो नीचे गई हुई एनर्जीज हैं उनको हमें इंक्रीज करके बैलेंस करना पड़ता है, जो ऊपर गई हुई एनर्जीज हैं उनको हमें डिक्रीज करके बैलेंस करना पड़ता है। तो जब आपके लिप्स दिखे या फिर किसी और पर्सन के लिप्स आपको चेरी रेड लिप्स दिखे, तो उसका मतलब है हीट का लेवल बढ़ चुका है ऐसे ह्यूमन बॉडी में। उन एनर्जीज को आपको डिक्रीज करके बैलेंस करना पड़ेगा एक्यूप्रेशर मैग्नेथेरेपी के ट्रीटमेंट के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमें लिप्स दिखे टू रेड या फिर ड्राई लिप्स एंड ड्राई लिप्स, जब बहुत ज़्यादा लाल लिप्स हमें दिखे और साथ में ड्राइनेस भी हो लिप्स में, तो उसका मतलब है हीट इन स्प्लीन और स्टमक। तो इसका मतलब है स्प्लीन में, स्प्लीन ऑर्गन में या फिर स्टमक ऑर्गन में हीट इंक्रीज हो चुकी है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी ह्यूमन बॉडी पे? इसका इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली हमारे फूड पे। हमारा जो फूड है, हमारी जो भूख है वो घट सकती है। हमें खाना खाने के ड्यूरिंग हमें पसीना आ सकता है फेस में या फिर बॉडी में, या फिर हमारे खाना खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर हमारे फूड खाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। हम धीरे धीरे फूड खाते हैं और हमारा खाना खाने का मन ही नहीं करता। तो इन एनर्जीज को हमें, जो इंक्रीज हुई हुई हीट की एनर्जीज है स्प्लीन और स्टमक में, इन एनर्जीज को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा। और एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो जानी चाहिए, एनर्जीज बैलेंस ही रहनी चाहिए। तो एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी के थ्रू हम सीखेंगे इस कोर्स में कि किस तरीके से एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पर्पल और ब्लूइश लिप्स। जब पर्पल यानी कि बैंगनी कलर के हमें लिप्स दिखे या फिर ब्लू कलर के लिप्स हमें दिखे, जब लिप्स का कलर पर्पल कलर का हो या फिर ब्लू कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है स्टेटस ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल नहीं चल रहा। उस ब्लड के फ्लो को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर हमें आज भी नहीं दिख रही तो आने वाले टाइम पे जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल एबनॉर्मल होने की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट हो सकती है। तो डायरेक्टली अगर पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर के आपको लिप्स दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऐसी ह्यूमन बॉडी में
जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल नहीं है, उसको अगर आज प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाले टाइम पे उसको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों ना अगर आज ही प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना उसको आज से ही ट्रीटमेंट देना हम स्टार्ट कर दें और उस ह्यूमन बॉडी को हम ठीक कर लें। और बात कर लेते हैं वेरी पेल लिप्स, जब लिप्स का कलर बहुत ज़्यादा पेल हो, वेरी पेल, तो उसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ यांग, यांग एनर्जीज की डेफिशिएंसी है, या फिर एम्प्टीनेस ऑफ ब्लड, यांग एनर्जीज की डेफिशिएंसी हो चुकी है, यानी कि यांग की जो एनर्जीज हैं वो नॉर्मल से, बैलेंस्ड से वो नीचे जा चुकी है। हमें एक्यूप्रेशर मैग्नेथेरेपी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करके इन एनर्जीज को इनक्रीज करना पड़ेगा ताकि इनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाए। जब अब हम बात कर ले, जब हमें लिप्स दिखे पेल लिप्स, सिर्फ पेल लिप्स हो, पहले हमने वेरी पेल लिप्स के बारे में बात की थी, अब हम पेल लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, पीले होंठ, तो इसका मतलब है कोल्डनेस और डेफिशिएंसी। इसका मतलब है कोल्डनेस यानी कि ठंडक हमारी ह्यूमन बॉडी में बढ़ चुकी है, या फिर किसी न किसी ऑर्गन में एनर्जीज की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो ये जो कोल्डनेस बढ़ चुकी है, इनकी एनर्जीज को हमें नीचे लाके बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर एनर्जीज की जो डेफिशिएंसी हो चुकी है हमारी ह्यूमन बॉडी में एनर्जीज के फॉर्म पे, इन एनर्जीज को हमें एक्यूप्रेशर मैग्नेथेरेपी के थ्रू इंक्रीज करके बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये ठीक करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी को। जब बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे पहले हमें डायरेक्टली देखना मिलेगा कि हमें बाहर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ठंड ज़्यादा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और वीक मसल्स हमारे होंगे, बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी, और हमें ठंड ज़्यादा लगेगी नॉर्मल लोगों की से, और हमें पेन हो सकती है नीज़ में, जॉइंट्स में, बोन्स में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन लिप्स अगर हमें दिखे, तो इसका मतलब है पेन हमारी ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कहीं पर है। अगर हमें पेन हो रही है, कभी हो गई पेन, कभी नहीं हो गई, कभी ठीक हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी यहाँ पर पेन हो गई, कभी यहाँ पर पेन हो गई, कभी यहाँ पर पेन हो गई, कभी बैक में पेन हो गई, कभी ठीक भी हो गई, कभी इंक्रीज हो गई पेन, तो इसका मतलब है ये जो ग्रीन या फिर ब्लूइश लिप्स हमें दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी पे पेन है। अगर नहीं है पेन तो आने वाले टाइम पे पेन हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अंदर एनर्जीज के फॉर्म में ऐसा टाइम लगता है। जो सबसे पहले ये हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं हमारे लिप्स के थ्रू, अगर आज वो डिजीज़ हमें नहीं है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द लिप्स, तो आने वाले टाइम पे हमारी ह्यूमन बॉडी पे वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एक्यूप्रेशर मैग्नेथेरेपी में हम सीखेंगे कि हमने किस तरीके से एनर्जीज को हाथों पर सिर्फ मैग्नेट्स लगा के हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो हम आने वाले वीडियोज़ में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल।